आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि जब मेहमान घर से बाहर जाते हैं तो घर के छोटे बच्चे मेज पर रखी मिठाई व समोसों की ओर तेजी से दौड़ते हैं। शायद आपने भी ऐसा किया हो और अब आप उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। पवित्र बाइबल में संत पौलुस ने कहा है कि जब तुम बालक थे तो बालकों की सी बात करते थे, परंतु अब तुम सयाने अर्थात बुद्धिमान हो गए हो। आज इस भौतिक जगत में एक और जहां रिश्तों की परिभाषा बड़ी तेजी से बदल रही है, तो त्योहार और विशेष रूप से क्रिसमस एक अलग ही स्वरूप में देखने को मिलता है, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल और यीशु की शिक्षाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यहां सब कुछ है, जैसे सेंटा क्लॉज, नए कपड़े, एक चमकता हुआ सितारा, यहां पर केक है, क्रिसमस ट्री है, यहां तक कि शॉपिंग मॉल और जो व्यापार केंद्र है वो भी इस दौर से पीछे नहीं। मानो वो भी ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम भी इस बड़े त्योहार के बड़े समर्थक हैं। क्या आपने कभी बारात देखी है जिसमें लोग नए कपड़े पहनकर नाचते गाते आधुनिक संगीतों पर और तमाम प्रकार के भोजन और खाने की चीजें वहां हैं? लेकिन कल्पना करें, इन सब बातों के बीच में वहां दूल्हा नहीं है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण और विवेक ईश्वर का एक अनुपम उपहार। किसी वस्तु या किसी विषय को समझने के लिए हमारे पास तीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक दृष्टिकोण। साथ ही दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिससे हम किसी विषय या वस्तु के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। वो विषय है, पक्ष है ज्ञानात्मक और भावनात्मक। इसे बाइबल कहती है कि जो तू कुछ कर रहा है क्या तू उसे समझता है? हम जो कुछ कर रहे हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम सब कुछ, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे समझते हैं? भौतिकवाद की अंधे दौर में सामाजिक चश्मा लगाकर परमेश्वर की एक महान सच्चाई को झूठ बना डाला। इसी बाइबल कहती है कि वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। निश्चित ही क्रिसमस वो नहीं जो आप देख रहे हैं, ना ये सेंटा के बारे में है, ना ये क्रिसमस ट्री के बारे में है। जी हाँ, ये प्रभु यीशु के बारे में है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल के एक छोटे से गांव बेथलहम में हुआ, जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं और प्राचीनों की पुस्तक में पहले से ही कर दिया गया था। जी हाँ, यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं इतिहास है। इतिहास की तारीखों को समझने के लिए हमें एडी बीसी अर्थात एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, यीशु के पहले और यीशु के बाद के गलियारों में गुजरना पड़ता है और तब हम जान सकते हैं कि इतिहास की घटना यीशु से पहले हुई या यीशु के बाद। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो इस जगत में देह धारण करके आए, उनका नाम यीशु रखा गया। वो इसलिए आए कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता अर्थात पापों से क्षमा का निर्माण, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, अर्थात एकत्व, उस परमेश्वर को पुनः प्राप्त करना, उस परमेश्वर से जुड़ जाना, जो कि एक उपहार है और ये उपहार खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर ने दे धारण किया। आप कल्पना करें कि आप बाजार जा रहे हैं और आपके 5 रुपए का सिक्का एक गंदी नाली में गिर जाए, क्या आप उसे उठाएंगे? शायद नहीं। और दूसरी ओर आपके प्रेमी के द्वारा दी गई भी अंगूठी, कल्पना कीजिए कि पति को पत्नी ने अंगूठी दी या पत्नी ने पति को अंगूठी दिया, कोई विशेष उपहार, यहाँ आप निश्चित उसे उस नाली से उठाने की चेष्टा करेंगे। यही बात बताती है कि परमेश्वर ने ना केवल हमें बनाया लेकिन हमसे प्रेम किया, और उसके प्रेम का सटीक उदाहरण यही है कि जब हम पापी थे तो वो हमारे दंड को चुकाने के लिए मानव देह में प्रकट हुए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन देहधारी हुआ। भारतीय दर्शनों में भी उस सनातन परमेश्वर के प्रेम और उस बलिदान का वर्णन मिलता है, जिसकी एक सुंदर झलक भारतीय पुराणों के भविष्य महापुराण के
भरत खंड में मिलती है, जहां लिखा है श्वेत वस्त्रम ईश पुत्रम वारिगर्व संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठम। अर्थात वो परमेश्वर देह धारण करेगा एक क्वारी कन्या से, समस्त मानव जाति के पापों को हल करने के लिए, निवारण करने के लिए, समस्त मानव जाति के पापों से छुटकारा देने के लिए, भारतीय दर्शनों का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए। और ये दर्शन व्यवहारिक है, इससे हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक और जहां परमेश्वर की महिमा और उसकी बुद्धि का अपार वर्णन मिलता है, तो दूसरी ओर मनुष्य की इससे दयनीय स्थिति अर्थात पाप में जीवन पर प्रकाश डालने की बात को स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात मनुष्य पापी है। पवित्र बाइबल और भारतीय दर्शन दोनों ही इस बात से सहमत है कि मनुष्य पाप में गिर गया है, पापी है। पापम पापात्मा पापकर्मा पाप सुमात्रा ही मां पुण्यक्षाम सर्व पाप हर कर। इसलिए प्रार्थना की गई अस्तो मां सत्यमेव तमसोमा ज्योतिर्मयम नित्यमा अमृतमयम, अर्थात परमेश्वर हमें असत्य से अंधकार से निकाले। बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो अर्थात गुनाह ना किया। बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस एक त्योहार नहीं वरन एक मूल्यांकन करने का समय है, क्या आपका जीवन और स्वभाव परमेश्वर को आदर योग्य है। और साथ ही पवित्र बाइबल के इस वचन पर मनन करें, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का सब बातें पर चाहे वो भली हो या बुरी हो न्याय करेगा। एक दिन आप और मैं उस पवित्र महान अदम्य सनातन परमेश्वर के समक्ष खड़े किए जाएंगे। इससे संत यूहन्ना हमें प्रेरित करते हैं और आश्वासन देते हैं, धन्य वे जिन्होंने अपना वस्त्र धो लिया है, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा। मेरे जीवन की सच्ची घटना बताकर मैं क्रिसमस के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने रेलवे की व्यवस्थाओं और उनकी कार्यशैली को बड़े ध्यान से देखा। मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ कई रेलवे यात्राओं में भी जाया करता था। एक दिन पिताजी के साथ मैं आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और मैंने देखा कि वो रेलवे स्टेशन अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ा साफ और सुंदर है। और मेरे पूछने पर मेरे पिताजी ने बताया कि आज रेलवे के बड़े अधिकारी इस स्टेशन का मुआयना करने के लिए आए हैं, इसलिए सब कुछ विशेष है। मेरे छोटे से हृदय ने कहा काश ये मुआयना रोज हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही प्रार्थना है क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन रोज हो। रोज आप उस सनातन और शाश्वत परमेश्वर के निकट आए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें जो संसार से कूच करने के बाद मुझे और आपको दिया जाएगा। प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम और उसका प्रबंध आपके जीवन में बना रहे। हैप्पी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस।